भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता से बिहार में बाहर हुई है तब से वो लोग परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं और उस फ्रस्ट्रेशन के शिकार होकर कुछ भी अनाप शनाप बयान देते हैं। मेरी सहानुभूति है भाजपा वालों के साथ कि बयानबाजी से अपने आप को अलग करें और नई सरकार को अपना रचनात्मक सहयोग दें। अब प्रशांत किशोर को लगता है कि इस तरह का बयान देके नीतीश जी पर अटैक करेंगे तो कुछ मीडिया में जगह मिल जाएगी, वो उनको मिल जाती है, तो रणनीतिकार ग्रुप में अपने आप को उन्होंने प्रचारित कर रखा है, तो नीतीश जी पर कुछ अनाप शनाप बयान देंगे तभी तो छपेंगे। लेकिन उनके बयान का कोई रेलिवेंस है क्या? लोग पूछते हैं कि प्रशांत किशोर कौन है, ये कौन सी पार्टी है? जिस व्यक्ति का कोई राजनीतिक समझ या पॉलिटिकल सिद्धांतों को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी, सब पार्टी में घूमते रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति जो विभिन्न पार्टियों के लिए काम किया है, इसका मतलब किसी एक सिद्धांत को लेकर कमिटेड नहीं है। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में चुनावी हलचल तेज हो चुका है, दो सीटों पर उपचुनाव होना है, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने तरफ से कमर कस ली है। हालांकि बिहार में एक तरफ महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ने की प्रक्रिया चल रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी चुनाव के मैदान में है। क्या कुछ परिणाम होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन तैयारी किस तरह की है, क्या कुछ चर्चाएं हैं बिहार की राजनीति में, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद्र मिश्रा। दो सीट पर बिहार में चुनाव होना है, बीजेपी अपने तरफ से उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है, अब बारी है महागठबंधन के तरफ से। हालांकि कहा यह जा रहा है कि राजद ही चुनाव जो है गोपालगंज और मोकामा में लड़ने वाला है, लेकिन क्या लग रहा है कि कांग्रेस भी अपने भाग्य आजमाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस उपचुनाव ही नहीं, किसी भी चुनाव में जब निर्णय का फैसला लेती है तो हमारे पार्टी हाईकमान तय करता है। तो बिहार मामलों के प्रभारी श्री भगचरण दास जी और हमारे प्रदेश कांग्रेस की जो इकाई है वो लोग इसमें तय करते हैं। अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी है नहीं, लेकिन अगर कोई बातचीत भी होनी होगी तो उसी स्तर पे हो रही होगी। संभवतः आजकल में प्रभारी जी बिहार आएंगे तो स्थिति का आकलन करके चर्चा करेंगे क्या करना है। लेकिन इतना तय है, कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट है कि इस उपचुनाव में दोनों सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी आसानी से चुनाव जीतें और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग शिकस्त दें, इस पर हमारा कमिटमेंट है, उसके हिसाब से काम करेंगे। आज बीजेपी की तरफ से गोपालगंज में नॉमिनेशन भी किया गया है, आगे कैसे इस चुनौती को देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी इस उपचुनाव में दोनों सीटों पर कहीं भी चुनौती नहीं है। बीजेपी की तरफ से जो भी उम्मीदवार आए हैं, उम्मीदवार देना उनका काम है, उम्मीदवार दिया है, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा आधार नहीं है जिसको देखकर आप ये अनुमान लगाएं कि यहाँ कोई कंटेस्ट भी होने वाला है। महागठबंधन में शामिल जो पार्टियाँ हैं, जदयू, आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियाँ, इन सब का कम्बिनेशन बहुत ही स्ट्रांग है और हम आसानी से चुनाव जीतेंगे। एक तरफ बिहार में देखा जाए तो इन दिनों नीतीश कुमार की मुसीबत जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सुशील मोदी ने कहा कि हम नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि अति पिछड़ों को आरक्षण देकर नगर निकाय का चुनाव कराए, और अगर नहीं नीतीश कुमार से बन रहा है तो इस्तीफा दें। अब देखिए, सुशील मोदी जी बहुत तरह के बयान देते हैं, नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण को लेकर जो थोड़ी बहुत त्रुटियां रह गई, समय रहते उसको पूरा कर लिया जाएगा और सरकार तय करेगी, चुनाव आयोग तय करेगा कि नए कार्यक्रम के आधार पर कब चुनाव कराया जाए। तो अगर सुशील मोदी जी को इतनी चिंता है तो मैं समझता हूँ चिंता मुक्त हो जाए और अपनी अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने के लिए प्रयास करें, तैयारी करें। बयानबाजी क्यों करते रहते हैं, हर चीज़ बयानबाजी। अब आजकल नहीं कुछ मिलता तो नीतीश जी के खिलाफ बोलते हैं, कुछ अपने समझ में नहीं आता है तो प्रशांत किशोर से बुलवाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ आम जनता समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता से बिहार में बाहर हुई है तब से वो लोग परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं और उस फ्रस्ट्रेशन के शिकार होकर कुछ भी अनाप शनाप बयान देते हैं। मेरी सहानुभूति है भाजपा वालों के साथ कि बयानबाजी से अपने आप को अलग करें और नई सरकार को अपना रचनात्मक सहयोग दें। लेकिन प्रशांत किशोर भी कहाँ पीछे हट रहे हैं, वो भी तो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है ही। अब प्रशांत किशोर को लगता है कि इस तरह का बयान देके नीतीश जी पर अटैक करेंगे तो कुछ मीडिया में जगह मिल जाएगी, वो उनको मिल जाती है, तो रणनीतिकार ग्रुप में अपने आप को उन्होंने प्रचारित कर रखा है, तो नीतीश जी पर कुछ अनाप शनाप बयान देंगे तभी तो छपेंगे। लेकिन उनके बयान का कोई रेलिवेंस है क्या? लोग पूछते हैं कि प्रशांत किशोर कौन है,
ये कौन सी पार्टी है। जिस व्यक्ति का कोई राजनीतिक समझ या पॉलिटिकल सिद्धांतों को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी सब पार्टी में घूमते रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति जो विभिन्न पार्टियों के लिए काम किया है, इसका मतलब किसी एक सिद्धांत को लेकर वो कमिटेड नहीं है। ऐसे नए लोगों के बयान को लेकर क्या मतलब है। मैं समझता हूँ बयान का कोई महत्व नहीं देना चाहिए। समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, कैसे अब आगे की राजनीति यूपी में हो उसके लिए आप क्या कहना चाहें। ये दुखद खबर है। कांग्रेस पार्टी गहरी संवेदना प्रकट करती है और कांग्रेस की नज़र में मुलायम सिंह यादव जी एक बड़े कद के नेता थे और उन्होंने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि भारतीय राजनीति को प्रभावित किया है और सार्वजनिक जीवन को प्रभावित किया है। निश्चित तौर पे इतने बड़े नेता का चले जाना राजनीति में एक शून्यता को लाएगा, लेकिन मुझे इस बात को लेकर संतोष है कि उनकी पार्टी में अखिलेश यादव जी एवं दूसरे नेता हैं जो सक्षम हैं, वो उनके बताए रास्ते पर चलेंगे और उस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्र का। साफ साफ से इन्होंने कह दिया कि दोनों सीट जो गोपालगंज और मोकामा में चुनाव होना है, दोनों सीट महागठबंधन के खाते में ही आएगी और सुशील कुमार मोदी जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के बयान दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं ताकि उन्हें पार्टी में अच्छी एक पद मिल जाए और वो अपने जगह को सेफ कर लें। प्रशांत किशोर को लेकर भी उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर किसी एक पार्टी में नहीं बल्कि अनेक पार्टी में वो घूम घूम कर हर जगह का वो भाप लिए हैं कि कहाँ पे क्या हो सकता है और मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह से बयान वो देते रहते हैं। लेकिन गोपालगंज चुनाव का क्या कुछ परिणाम होगा वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। हालांकि अभी घोषणा हुई है चुनाव होना है, नतीजे क्या कुछ आएंगे अभी उसमें थोड़ा समय है, लेकिन जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ पोनेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।